हेलो फ्रेंड्स, अगर आपके भी गैस स्टोव में गैस फ्लेम कम करने पर या लौ कम करने पर अगर बंद हो जाता है तो आप इसे कैसे अपने घर में ठीक करेंगे, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की लेटेस्ट जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, हमारे पास 2 बर्नर का गैस स्टोव है और हमें जो बंद होने वाली जो समस्या हो रही है वो इस वाले में हो रही है। मैं आपको पहले यहाँ पे चेक करा देता हूँ, उसके बाद जब मैं ठीक करूँगा तब मैं फ्लेम देखूँगा। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, पहले यहाँ पे चेक करेंगे। तो देख सकते हैं ये सही जल रहा है और जैसे ही हम इसे कम करेंगे तो ये बंद हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं बड़ा वाला को पहले दिखा देता हूँ। बड़ा वाला देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं इसे कम करूँगा तो ये कम भी हो जाता है। तो इस तरह की समस्या हम आज ठीक करेंगे। गैस स्टोव रिपेयर करने से पहले है कि सिलेंडर में गैस रेगुलेटर और पाइप को खोल लेना है। तो यहाँ पे मैं गैस रेगुलेटर और पाइप को खोल लेता हूँ। तो रेगुलेटर को हम क्या करेंगे, यहाँ से खोल लेंगे। तो इसे ठीक करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, सबसे पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं। तो इसे ठीक करने के लिए आपके पास एक पिलास होना चाहिए, एक इस तरह का पेचकस होना चाहिए और आपके पास एक इस टाइप का ब्रश होना चाहिए। कोई भी पुराना ब्रश हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद आपके पास अगर इस टाइप का वायर है तो ये जो है हमारा कॉपर का वायर है, अगर आपके पास इस टाइप का वायर है तो आप इस वायर का भी यूज कर सकते हैं। या अगर आपके पास इस तरह का जो वायर है ये स्टील का वायर है, अगर आप इस तरह का वायर लेना चाहते हैं तो कोई भी मोटरसाइकिल के दुकान में ब्रेक का तार ले सकते हैं। तो ये उसी का हमने टुकड़ा लिया है। तो इन दोनों में से आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इसका ही इस्तेमाल करेंगे, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद आपके पास इस टाइप से थोड़ा सा आपको मिट्टी तेल ले लेना है। अगर आपके पास पेट्रोल है तो आप पेट्रोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे मिट्टी तेल लिया है। तो अब हम चलिए गैस स्टोव को रिपेयर करें। देख सकते हैं हमने यहाँ पे सभी पार्ट्स को ऊपर से हटा दिए हैं। अब चलिए हम चूल्हे को क्या करेंगे, पलटा लेंगे। तो इस तरह से हम पलट लेंगे। हमारा जो प्रॉब्लम था वो छोटे वाले बर्नर में था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं एक नट लगा हुआ है तो इसे हम खोलेंगे। तो इसे आप पिलास की भी मदद से खोल सकते हैं, अगर आपके पास स्पेशल रिंच है तो आप रिंच से भी खोल सकते हैं। तो हम इसे आसानी से खोल लेंगे, वैसे सभी में ढीला ही रहता है तो आप आसानी से खोल सकते हैं। तो सभी पार्ट्स को आप अच्छे तरीके से एक जगह रख लें। तो हम इसे खोल लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक आपको यहाँ पे नट दिख रहा है, तो इस नट को खोलने के लिए हम इस पेचकस का इस्तेमाल करेंगे। तो हम इसे खोलेंगे कैसे, इसे आपको हल्का सा दबाए रखना है, इस तरह से दबा के आपको इस नट को खोलना है। तो देख सकते हैं, तो ये नट देख सकते हैं खुल गया है। अब इस पार्ट्स को धीरे धीरे निकालेंगे। यहाँ पे एक स्प्रिंग भी होगा तो इसे आपको निकाल के एक जगह रख लेना है। और इसके अंदर में देख सकते हैं एक ग्लास है, तो इसे खोलने के लिए हम क्या करेंगे, इस पेचकस से थोड़ा सा हिलाएंगे तो देख सकते हैं ये बाहर की ओर आ जाएगा। तो ये ग्लास को आपको इससे निकाल लेना है। तो अब जो भी इस तरह की प्रॉब्लम हुई है हमें गैस स्टोव में, वो इस ग्लास के कारण हुई। इस ग्लास में देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा होल आपको दिख रहा है, यहाँ पे कचरा जमा हो जाता है जिस वजह से ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो इसे साफ करने के लिए हम मिट्टी के तेल, या तो आपके पास पेट्रोल है तो आप उसके जरिए इसे साफ कर सकते हैं। तो हम ब्रश की सहायता से इसे अच्छे तरीके से साफ करेंगे। तो इस तरह की जो समस्याएं होती हैं, जब भी हम गैस स्टोव को रिपेयर करवाते हैं तो कुछ समय के बाद ऐसी प्रॉब्लम होने लगती है। ज़्यादा ग्रीसिंग हो जाने के वजह से जो ग्रीस यहाँ पे लगा हुआ होता है वो धीरे धीरे यहाँ पे इस हॉल में जमा हो जाता है, तो ये जो है जाम हो जाता है। तो इस तरह की समस्याएँ होने लगती है। तो हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से पहले इसे साफ कर लेंगे।
तो यहाँ पे हमने इसे साफ कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, किसी सूती कपड़े की मदद से इसे अच्छे से साफ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसे साफ कर लिया है। तो इस तार की मदद से यहाँ पे जो आपको हॉल दिख रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे हॉल एक आपको दिख रहा होगा छोटा सा, इस हॉल को अच्छे तरीके से, अगर ये ब्लॉक होगा तो इस तार की मदद से हम अच्छे से इसे साफ कर लेंगे। तो ये अच्छे से साफ हो गया है, हॉल भी हमारा जो है वो फ्री हो चुका है। अगर इसमें कचरा भी जमा हो तो आप अच्छे से इसे साफ कर लीजिए, वैसे कचरा इसमें जमा नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे ग्रीसिंग करेंगे। तो इसे ग्रीसिंग करने के लिए आपको इतना सा ग्रीस लेना है, तो इसे अच्छे तरीके से आपको लगा देना है। ध्यान रहे कि ये हॉल के पास आपको नहीं लगाना है, हॉल के उधर ही आपको लगाना है, बिल्कुल थोड़ा सा ग्रीस आपको ही लेना है, इससे ज़्यादा ग्रीस नहीं लेना है। तो ये हमारा ग्रीसिंग हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, सभी पार्ट्स को अब गैस स्टोव में लगाएंगे। तो अब आपको क्या करना है कि ये जो आपको देख रहे हैं ये जो हॉल है यहाँ पे गैस कोक का, इसे भी आप कपड़े की मदद से साफ कर लीजिए, जो भी कचरा होगा आप इससे निकाल लीजिए। तो आपको क्या करना है, इस तरह के पेचकस में थोड़ा सा कपड़ा इस तरह से लपेट लेना है और इस तरह से आपको घुमाकर अच्छे से साफ कर लेना है। हालांकि इसमें कचरा नहीं है तो आपको इस तरह से साफ कर लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस ग्लास को हम इसमें इस तरह से सीधा लगा देंगे। उसके बाद ये स्प्रिंग को इस तरह से लगा देंगे। अब जो है हम इसे इस नोब को भी इस तरह से लगा देंगे। नोब को लगाकर अब हमें नट लगाना है। तो नट लगाने के लिए आपको क्या करना है, इस नोब को हल्का सा दबा के रखना है। अब आपको यहाँ पे नट लगाना है। नट को अच्छे तरीके से लगा दिया है। अब इस पेचकस की मदद से हम इसे अच्छे से टाइट कर लेंगे। तो हमने इसे टाइट कर दिया है। अब देख सकते हैं ये अच्छे से लग चुका है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो आप जेट देख रहे हैं इस जेट को प्लास की मदद से आप खोल कर भी साफ कर सकते हैं, हालांकि ये हमारा सही है। तो अब चलिए हम अभी सबका अब हम सभी पार्ट्स को यहाँ पे लगा देंगे। अब क्या करेंगे, हम इसे सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद अब हम सभी पार्ट्स को इसके ऊपर हम रख देंगे। तो यहाँ पे हमने सभी पार्ट्स को अच्छे तरीके से लगा दिया है और हमने पाइप को भी अच्छे से यहाँ पे फिट कर दिया है और सिलेंडर में रेगुलेटर को भी लगा दिया है। तो हमने सिलेंडर में रेगुलेटर को ऑन कर दिया है। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि ये हमारा सही से वर्क कर रहा है या नहीं। तो ये सही से वर्क कर रहा है। अब हम देखते हैं कम करके, तो यहाँ पे हमने कम भी किया है, तो देख सकते हैं ये हमें हमारा बंद नहीं हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे हमने काफ़ी कम कर चुका है। तो अब यहाँ पे भी हम चेक करा देते हैं। तो देख सकते हैं हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुके हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम आप घर पर भी बड़े आसानी से ठीक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।